Hello and welcome. Today we will discuss about the Indian Constitution. Class 8th है, lesson 1st है. बेटा subject आपका social science है. तो constitution किसको बोलते हैं? एक constitution is a set of fundamental rights. ये जो constitution होता है, ये fundamental rights का क्या है? Set होता है, ठीक है? By which a state or country is governed. इसमें ये बताया जाता है, इसमें ruling के द्वारा ये बताया जाता है कि एक state और country को कैसे चलाया जाता है, ठीक है? The Indian Constitution was adopted on 26 November 1949. जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कब अडॉप्ट किया गया था? 26 November 1949 को. तो why does a country need a constitution? इसका जो मायने है कि किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है. तो डियर स्टूडेंट्स, यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ए कंट्री. तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो क्या एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कंट्री में. एक कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल लॉस ऑफ अवर सोसाइटी. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये हमें बताता है कि हमारी सोसाइटी में हमारे जो फंडामेंटल लॉस, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो क्या है. तो देर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट अवर लीडर माइट मिस यूज देयर अथॉरिटी. इसने बोला है कि कभी कभार क्या होता है कि जो लीडर्स होते हैं, नेता, बड़े बड़े नेता होते हैं, वो क्या करते हैं? मिस यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं? अपनी अथॉरिटी का, अपनी पावर का. मगर जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस. मगर जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो क्या करता है? बचाता है, सेफ गार्ड करता है. किसको? देश को, ठीक है. तो उसके बाद इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें ये बताया जाता है कि जो संबंध होते हैं एक नागरिक के और गवर्नमेंट के, क्या संबंध होने चाहिए, क्या होते हैं. ये डिफाइन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन. इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन किया जाता है कि सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हक क्या क्या होते हैं. It ensures that a dominant group does not use its power against less powerful people. इसमें जे भी इंश्योर किया जाता है, जे तय किया जाता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप होता है, जो ताकतवर ग्रुप होता है, वो क्या किसी लेस पावरफुल पीपल, जो कमजोर तबका होता है ना, जो डोमिनेंट ग्रुप होता है, जो शक्तिशाली ग्रुप होता है, वो कमजोर लोगों के ऊपर पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है. तो ये था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो थैंक्स.